गुरुजी के अकाउंट में कितना पैसा है? तो ऐसे साधकों को तो सारे लेके चप्पल मारो सालों को। जब वो दुर्गुण नाश नहीं कर सकते हैं तो इतनी पवित्र पावन जो शिवांगी है उनका कैसे आप दर्शन कर लेंगे बताइए? कैसे दुर्गा जी सामने आ जाएंगे? वो तो भ्रम होगा आपका, क्योंकि मैंने पहले भी बोला अगर कोई शक्ति का साक्षात्कार सामने अगर हो गया रोम रोम परिवर्तित हो जाएगा, रोम रोम पूरा बदल जाएगा साधक। अगर सिद्धि हो गई आपके प्रश्न के अनुसार, अगर सिद्धि हो गई ऐसे सिद्ध होने लगे तो पूरे विश्व में जो है हर तरफ भारत के सिद्ध लोग ही दिखाई देंगे ऐसे अगर सिद्ध हो गए तो। सिद्धि का अर्थ बिल्कुल अलग है। सिद्धि का अर्थ यह है कि आपने मान लीजिए दुर्गा जी की सिद्धि के लिए 10 साल 20 साल 50 साल पूरा लगा दिया, आप कभी भटके ही नहीं, आपने कभी गुरु का उल्लंघन नहीं करी, गुरु के आदेश का पालन करते चले गए, गुरु ने कहा कि मर जाओ साले मर गए, गुरु ने कहा कि इतने लाख रुपए से, अब आज के साथ गुरु जी के अकाउंट में कितना पैसा है? अच्छा तुमने कितना पैसा दिया? हमें तो कोई सिद्धि मिली नहीं। आजकल के साधक ऐसे हैं, ठीक है, तो ऐसे साधकों को तो साले लेके चप्पल मारो सालों को। और यही ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी ये साले साधक समझ में आती इनके। क्योंकि शक्ति क्या करती है, सबसे पहले दिमाग खराब करती है और गुरु से दूर करती है। क्योंकि अगर आप पैटर्न से चल रहे हो जैसा गुरु समझा रहा है आलोक जी, तो आप सामने प्रकट कर लोगे, लेकिन आप छोटा सा कुकुरमुत्ता निकल के आ गए भाई में, और आपने मैं तो साला सबको छांव दूंगा मैं तो पूरा एकदम कल्प वृक्ष हो गया, जरा सा कुकुरमुत्ता कल्प वृक्ष सोचने लगता है अपने आप को, उसको पता नहीं है कुत्ते ने मूत के बरसात में जो है निकल आया है। तो ऐसे ही सिद्धि चली जाती है जैसे कुकुरमुत्ता चला जाता है। तो साधक के जो भाव हैं वो गुरु को सदैव पता चलते रहते हैं। मैं बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, गुरु साधक के गुण गुरु के पास बहुत बारीकी से पहुँचते रहते हैं और उसकी चालाकियाँ भी, चाहे जितना कोई चालाक हो, जितना कोई चालाक हो, धूर्त से धूर्त आए मेरे पास, किसी की चालाकी चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो वो साधक आ रहे हैं मेरे पास, वो साधकों का सेंटर गुरु नहीं है, साधकों का सेंटर है उनके लालच, उनके पाप, उनके पुण्यों पे किए गए अहंकार, वो सेंटर है एक्चुअली में उनका। तो जब साधक का सेंटर, साधक का केंद्र किसी ऐसी दिव्यात्मा का सानिध्य प्राप्त करना नहीं होगा, तो उसको गुरु की शक्तियां दूर ही करती हैं, सदैव करती आई हैं, सदैव करेंगे।
सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। टू टॉक टू गुरुदेव जी, ओपन गूगल प्ले स्टोर नाउ, सर्च कॉल मी फॉर एप्लीकेशन एंड डाउनलोड इट नाउ, रजिस्टर योर प्रोफाइल एंड रिचार्ज इट नाउ, सर्च फॉर श्री तारामणि जी एंड डायरेक्टली टॉक टू गुरुदेव जी एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम।